हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन CISF हायर और BSF ट्रेडमैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इनको पढ़ लेना है। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 8। सेकेंड क्वेश्चन है, मानव का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की सब सुंदर कितनी होती है, इसका आंसर होगा 16 से 18 बार। मैं इनको वन लाइनर में करा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं हो, इसलिए आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के याद कर लेना है। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, यानी जांग की, जो कि हमारे जांग में होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी, इसका आंसर होगा स्टेपीज, जो कि हमारे कान की पाली के अंदर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े की हड्डी होती है, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो इसका राइट आंसर जबड़े की हड्डी होगा। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, इसका आंसर होगा एनामिल, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है केलोलॉजी। मैं इन क्वेश्चन को आपके रिवीजन के लिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम ख़राब ना हो। यदि आपको समझ में कम आ रहे तो इन सभी क्वेश्चन को आपको एक बार अपने कॉपी में लिख के याद कर लेना, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, इसका आंसर होगा 120/80 mm। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 23 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, इसका राइट आंसर होगा 65 से 80% मानव में जल की मात्रा होती है शरीर के अंदर, तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी होती है, मतलब कि हमारा शरीर में रक्त हमारे भार का कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 7%। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 6 लीटर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, मानव रक्त का pH कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 7.4 होता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि pH स्केल में जिसका मान 7 से कम होगा वो अम्लीय प्रकृति के होंगे, और जिसका मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और जिसका pH 7 होगा वो उदासीन होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त को शुद्ध करता है, हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा किडनी या उरक, जिसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में होता है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 20 से 120 दिन, यानी लगभग 120 दिन RBC का जीवन काल होता है। और जब RBC नष्ट हो जाती है तो इसको प्लीहा के अंदर दफनाया जाता है, इसलिए RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण भी अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और WBC यानी श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइट, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि RBC को, यानी कि लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। और प्लेटलेट्स, उनको क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, यदि एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और देख लेना, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि इसी तरह के वीडियो में आपके लिए और लेकर आ जाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।